राज्य की प्राचीन और प्रसिद्ध श्री मारूफगंज बड़ी देवी जी के निकट चल रहे है। भंडारा प्रसाद बनाने के दौरान गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण आग की लपटें उठने लगी। इसके साथ ही भीड़ भाड़ के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों के साथ फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इसके पूर्व स्थानीय थाना के पुलिसकर्मी भी पहुंचे। स्थानीय नागरिक सुनील बंका अनुज शर्मा ने बताया कि इस घटना में दो लोग मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। उधर श्री बड़ी देवी जी मारूफगंज पूजा प्रबंधक समिति के पदाधिकारी संत गोलवारा ने कहा कि यह भंडारा बड़ी देवी जी की प्रबंधक समिति के तत्वाधान में आयोजित नहीं था, बल्कि कुछ स्थानीय युवकों के द्वारा संचालित था। आग पर खबर बनने तक काबू पा लिया गया था। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। श्री बड़ी देवी भंडारा के पास गैस सिलेंडर लीक हो जाने के कारण हमको इन्फॉर्म किया दिया गया इन्फॉर्मेशन, तो हमको अग्निशमन पटना सिटी से फोन आया, जो आप वहां चल जाइए और थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये नहीं बताया गया था जो वहां गैस सिलेंडर में लीकेज है, बस बताया गया जो आग लग गया। जब यहां आए तो देखा गया क्या, जो गैस सिलेंडर लीक हो गया था, ठीक है, लीक हो रहा था और इसमें दो तीन लोग इंजर्ड भी हो गया है और स्थानीय लोग और हम साथ मिलकर ही उसको बता दिए और अभी कोई ज्यादा घटना नहीं हुई है सबकी। मेरा नाम लाल बाबू राम। यहाँ हर वर्ष माँ का विशाल भंडारा होता है और घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा सिलेंडर में आग लगा था, इसका काबू पा लिया गया। घायल कुछ नहीं लोग हैं, बस दो लोगों को थोड़ा सा लगा है। अनुज शर्मा। भंडारा में खाना बनने के दरमियान जो है गैस सिलेंडर से धोखा होने के कारण आग लग गई थी और स्थानीय लोग और प्रशासन के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है और बाकी कोई क्षति नहीं हुई है। कुछ एक दो लोग कारीगर जो है मामूली जख्मी हुए हैं। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।